नमस्कार आपने सबले आरम्भ कर आफ्टरनून एक्सप्रेस स्टुडियोत मैं कृपांचल राजपंशे प्रथम खबर न्यूज 18 विशेष अनुष्ठान अमृत रत्न देशर नगराकी यशस्वी व्यक्तिक सम्बर्धना एन आर नारायण मूर्ति आदर पुनावाला रजनीकांत पंडित हरिप्रसाद चौरासिया तेशी थमास पी टी ओषा डॉक्टर नरेश त्रेहान बासन रेपाल पंकज त्रिपाठीक सम्बर्धना ভারতৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ স্মৃতি ইৰাণী নীতিন গাডকাৰী অশ্বিনী বৈশ্যপ लगभग 15-18 साल पहले किया जी 2003 में किया था मैं सोशल मीडिया पे जब मैंने बताया कि मैं आपका साक्षात्कार करने जा रहा हूं तो बहुत लोगों के सवाल आए कि अनुराग ठाकुर अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं बातचीत के अलावा भी तो कुछ करते होंगे ना कुछ करने के लिए मत कहना यहां पे बस आजकल नहीं तो खेल मंत्री होने का एक नुकसान ये हो गया है किसी इवेंट में जाओ बास्केटबॉल जाओ तो कहते बास्केटबॉल खेल के दिखाओ मेरी फरमाइश नहीं सर आपके कुछ फैंस और व्यूअर्स की फरमाइश है ये आप सब लोग फिट इंडिया के साथ जुड़िए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज यही मूल मंत्र है करिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अनुराग ठाकुर जी और अमीश जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन हम चाहेंगे अनुराग ठाकुर जी आप अभी भी मंच पर हमारे साथ रहें क्योंकि अब वक्त हो चला है उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने आजादी के 75 वर्षों के दौरान अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे अगले अमृत रत्न कौन है इसकी जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी अमृत रत्न अगले अमृत रत्न जिनको हम सम्मानित करने वाले हैं उनके बारे में क्या कहा जाए जब उनकी उंगलियां बांसुरी को छूती हैं उनके होंठ जब बांसुरी को छूते हैं तो लगता है खुद भगवान प्रसाद बांट रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया शास्त्रीय संगीत की दुनिया का सर्वोत्तम सितारा है उनके अधरों से बजती बांसुरी की सुरीली धुन ऐसे प्रतीत होती है जैसे स्वयं प्रभु हरि नारायण का प्रसाद हो 8 साल की उनकी तपस्या और रियाज का ही परिणाम था कि उड़ीसा के कटक के रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ सफर जल्द ही मुंबई पहुंचा और यहां सौभाग्य से उन्हें सानिध्य मिला गुरु मां अन्नपूर्णा देवी का इसके बाद पंडित जी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों की शान बन गए फ्रांस ब्रिटेन जैसे देशों की सरकारों द्वारा कई पुरस्कार पाने वाले पंडित हरि प्रसाद जी ने वैश्विक स्तर पर लगातार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सम्मान बढ़ाया है न्यूज 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान अमृत रत्न पंडित जी प्रणाम नमस्कार
यह हमारा सौभाग्य है आप इस मंच पर हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पहले तो सबको प्रणाम करता हूँ, हमारे भाइयों को प्रणाम करता हूँ और आपको बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमको कलाकारों को आप लोगों ने पहचान बनाई संगीत प्रेमियों के बीच में। हम तो रिकॉर्ड्स में रहते थे या पर्दे के पीछे, आपने हवाई डाब को और हमारे विचार को लोगों तक पहुंचाया, बहुत बड़ी बात है। पंडित जी आपने देश का मान किया है, आपके आपसे देश का मान है, इसके लिए देश आपका कृतज्ञ है। ये बताइए आपने एक आप एक किस्सा सुनाते हैं काठमांडू का, वो क्या हुआ था काठमांडू में जहाँ से ये सफ़र की शुरुआत हुई? बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ जीवन में हुआ और वो कर कर के मैं आज आपके साथ में यहाँ बैठा हूँ और लोगों के साथ में बैठा हूँ। और मैं समझता हूँ संगीत की भाषा कोई समझे या ना समझे, लेकिन जब भगवान समझता है तो सारी दुनिया समझ जाती है। और मैं मेरे परिवार का बड़ा आभारी हूँ कि मुझे कभी हमेशा संगीत में आगे आगे धक्का मार के और आगे आगे रखा, ताकि मैं लोगों के सामने अपने एक सूखे बम्बू का एक सूखे बांस का टुकड़ा उसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने किया, लेकिन वो बड़े भाग्यवान थे, मैं भी भाग्यवान हूँ, मैं इतने लोगों के साथ में बैठा हूँ। और यही नहीं, आज हमारे भारतीय संगीत को प्यार और सम्मान सारी दुनिया में मिला है और स्पेशली बांसुरी के लिए। इस वाद्य को किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना सुंदर वातावरण कर सकेगा संगीत को लेके, स्पेशली भारतीय संगीत को लेके। और आज जो हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वाद्य मैंने ना देखा था ना कोई देखेगा। सूखा बांस का टुकड़ा है, तार नहीं है, चमड़ा नहीं है, ट्यून नहीं करना पड़ता, लेकिन जब अधरों पे लगाए तो दुनिया देखती रहती है। अभी मंत्री जी फिट रहने की बात बता रहे थे, मंत्री जी बता रहे थे फिट रहना चाहिए। शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है आप कुश्ती किया करते थे बचपन में। आपके पिताजी तो पहलवान थे जी, तो आप कैसे बांसुरी वादन में आ गए? मैं प्यार करता था पहलवानी को, अच्छा लगता था, लेकिन कुछ हद तक लोगों को दिखाने के लिए मट्टी उट्टी लगा के कूद पड़ा, कोई मेरे ऊपर बैठ गया, मैं किसी एक नहीं मैंने भोगा है अभी भी भोगता हूँ, क्योंकि वो जो कुछ लोग चढ़ के बैठ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, या तो मैं उनको ऊपर चढ़ कर बैठ। मुझे हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी, उस समय संगीत का इतना प्रचार नहीं था। मेरे पिताजी कहा करते थे, मैंने सुना तुम कुछ बांसुरी लेकर घूमते हो, अच्छी बात नहीं है, भीख मांगोगे तुम। मैं वो भी सुनता था, सुबह पहलवानी भी करता था, बहुत आनंद लगता था, लेकिन उनको मैं प्रूव करना चाहता था कि देखो बांसुरी भी अच्छा वाद्य है, आपको कभी संगीत शौक हो जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली होऊंगा। मैं जाकर चुप से सीखता था, मेरे पिताजी कहते थे अरे तुम फिर बजाता है, भीख मांगो। अरे मैंने कहा जब मांगूंगा तो मांगूंगा, मेरी इच्छा तो पूरी होने दो। तो मैं अपने आप को छिपा के मंदिरों में जाकर प्रैक्टिस करता था और वहाँ बढ़िया खाना मिलता था, प्रसाद खीर मिलते थे, तो मैं सोचता था कि घर पे तो पैसे ऐसे मिलेंगे नहीं मिठाई खाने के। मैं सच जब बहुत छोटा था तो मिठाई बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं दुकान पे जाके शीशे में देखता था इसको कैसे लूँ, पैसे ही नहीं, मुंह में पानी आता था। मैंने कहा चलो खूब मेहनत करूँगा और यही पंडित हमको आगे मिठाई खिलाएंगे घर में। अनुराग जी आज भगवान की कृपा से मुझे बहुत दुख होता है और अच्छा भी लगता है कि उस समय मैं मिठाई को देखता था शीशे में लगा हुआ है बढ़िया लड्डू और इमरती जलेबी, और मैं खा नहीं पाता था कि पैसे नहीं।
आज मुझे सारी दुनिया से मिठाई आती है, घर में बैठ के खाता हूँ। फिर मेरे पिताजी की याद आती है कि आपको तो कुछ नहीं मिला, हमको तो मिठाई तो खाने को। एक बात तो तय है जी कि पहलवान भी बांसुरी बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने, सच्ची कह रहा हूँ। पहलवान एक बार बस निकल पड़ते तो मोहल्ले में दिखाई पड़ते कि दिखाने के लिए गंजी पहन के निकलते कि इधर फूला इधर फूला। लेकिन एक बात है कि आप चाहे बहुत अच्छे पहलवान बनते तब भी खिलाड़ी के लिए भी देश की कोई सरहद या सीमा नहीं होती, क्योंकि खेलों को भी एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है जी, जी। और संगीत को भी ना सरहद के इस पार ना उस पार जी। पूरी दुनिया में ही जब आपकी बांसुरी बजती है तो उसको पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो आपने जो देश के लिए किया है पूरे देश को आपके ऊपर बहुत मान है, और आप देश के लिए कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग देश में हैं जिसके कारण भारत का मान सम्मान बढ़ा है। पंडित जी, आज के संगीत, आज का संगीत आपको अच्छा लगता है? ये क्यों पूछते हैं आप? अच्छा, मैं कलाकार हूँ, मैं कैसे बोल दूँ कि संगीत खराब हो सकता है? हमारी जो नई पीढ़ी है उनको इतना पसंद आता है। हमारी स्पीक महक एक संस्था है, मैं स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चे लोग खाली देखते रहते क्या कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, फिर उनको आस्ते आस्ते समझाता हूँ, तब उनको इतना इंटरेस्ट होता है कि आँख बंद करके सब बैठ जाते। मैं सच बताता हूँ, इतना आनंद आता है। और फिर जब हम ख़त्म करते तो मेरे भीड़ लगा के ऑटोग्राफ दीजिए, ये दीजिए, बोल, तो इतना सुंदर लगता है कि हमारे भारत का जो संगीत के प्रति जो रुचि है सीखने की, उस मर्यादा को रखने की, आज संसार में कहीं भी नहीं। हमारे भारत की परंपरा, भारत का संगीत जिस तरीके से पूजा करके सुनते हैं, वहाँ से लोग आते हैं सीखते हैं, हमारे यहाँ से इतने लोग नहीं जाते, भारतीय संगीत से खुश है और बहुत अच्छी बात है। और सर ने जैसा कहा पहलवान, अगर संगीत में थोड़ा पहलवानी भी हो अच्छा हो ना, तो आदमी घंटों घंटों फूक के बैठेगा, बजाएगा, योग भी होगा और संगीत भी होगा। वैसे दर्शकों ने अब तक तो यहाँ देख लिया होगा कि जब मुझसे सवाल पूछे तो आपने कैसे कैसे सवाल पूछे। अगर यही बात मैंने कही होती कि मैं भी मिठाई को देख के मेरे मन में ऐसा आता था और मैं अब नहीं खा सकता, तो आप पूछते अच्छा आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, ताकि आप मुझे और तंग करते थोड़ा ज़्यादा। लेकिन